गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभू सर, योर माय टीचर. वेलकम बैक. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.2 कुछ क्वेश्चन. टेंथ क्वेश्चन ये है. Find the volume of rectangular box with length 5a, breadth you have 3a square and height you have 7a square. 7a raised to the power 4. So find करना है volume of rectangular box. Sir, we know that volume of rectangular box equals to length into breadth into height. ये हमारा volume का formula है. Length, breadth और height. सर इसकी हेल्प से अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वी हैव सर वैल्यू ऑफ लेंथ इज 5a, वैल्यू ऑफ ब्रेथ वी हैव 3a स्क्वायर और हाइट वी हैव 7a रेज़ टू द पावर 4. इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रोडक्ट फाइंड करें. फर्स्ट वन 5 3 7 8 a स्क्वायर इंटू a रेज़ टू द पावर. सर 7 3 21 इंटू 5 इंटू ए रेज टू द पावर 2 प्लस 4 6 6 प्लस 1 7 5 इंटू 5 5 टू 10 इज रेज टू द पावर 7. इट इज अ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. ये वॉल्यूम होगा किसका? रेक्टेंगुलर बॉक्स का. क्लियर? सिमिलर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन भी. इसको भी हम सॉल्व भी कर लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे. सर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विथ लेंथ 3mn एंड ब्रेथ 5np. सर क्वेश्चन नंबर 11 गिवन लेंथ 3mm एंड ब्रेथ वी हैव 5 एंड 5 एन पी और हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना था. तो हम देखें सर, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा सर, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. सर ये तो फॉर्मूला है, इसमें अगर वैल्यूज पुट करने जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए जो वैल्यूज हैं, तो सिमिलर हम देखें कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करना था. तो इसको जब सॉल्व करने जाएंगे वैल्यू पुट करें तो सर 3mn
into 5 np, then 1 d8 sub 3 into 5 into m into n into n into p, then 1 3 5 of 15 m n into n n raised to the power 2 and p. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो देखिए यहाँ पर जो हमें अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वहाँ पर वॉल्यूम किससे रिलेटेड पूछ रहा है, एरिया है तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता था वो लेंथ इनटू ब्रेथ है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता तो अगर साइड के फॉर्म में होता तो साइड इनटू साइड ही होता, और भी कुछ डिफरेंट टाइप से अगर उसका क्वेश्चन होता तो फिर उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें उस क्वेश्चन को रिलेट करना होगा, क्लियर। चलिए अब आफ्टर देन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, मींस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो पॉलिनोमियल को हमने मोनोमियल बायनोमियल से मल्टीप्लाई किया, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।